ये पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। इन पितृपक्षों में ये 15 दिन जो होते हैं, पूर्णिमा को मिलाएं तो 16 दिन, पूर्णिमा से अमावस्या तक का ये 16 दिन, विशेष 15 दिन ही है। ये जो 15 दिन हैं, साल में 15 दिन हमें भगवान कहते हैं कि तुम अपने पूर्वजों के बारे में कुछ करो। अब ये पितृ पक्ष क्या है, ये पितृ लोक क्या है, ये पितर कौन है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। ये जो 15 दिन हैं, ये 15 दिन केवल पितरों के लिए हैं। अब ये पितर कौन है आओ समझते हैं। जब हमारे पिता दादा परदादा, जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है ऐसा समझो, तो यदि उस व्यक्ति ने पुण्य किया है जिसकी मृत्यु हुई है, यदि उसने पूरा पुण्य किया है तो उसका तो हो जाता है मोक्ष। यदि वो मोक्ष का अधिकारी है तो मोक्ष हो गया, स्वर्ग का अधिकारी है, ज्यादा पुण्यात्मा है तो स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चला गया या मोक्ष हो गया, जन्म मृत्यु से खत्म, छुट्टी। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे पुण्य नहीं किए होते, या तो उतने पुण्य नहीं किए होते जितने से मोक्ष और मुक्ति मिल जाए। तो जब वो लोग मरते हैं तो यमराज जी हिसाब करते समय कहते हैं कि आपके पुण्य तो हैं पर उतने पुण्य नहीं कि आपको स्वर्ग मिल जाए या मोक्ष हो जाए। तो वो जीवात्मा बोलता है कि हे यमराज अब मैं क्या करूं, तो बोले आप तब तक पितृलोक में जाओ। पितृलोक जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, सत्य लोक है, ऐसे ही पितृलोक है। ऐसे ही कौन सा लोक है, पितृलोक में आपके उस सज्जन को जो अभी यहां से मृत हुए हैं उनको भेज दिया जाता है, जाओ पितृलोक जाओ। अब वो पितृलोक चले जाते हैं, वहां क्या करते हैं, बोले वो वहां इंतजार करते हैं। यमराज जी ने कहा पितृलोक चले जाओ और तुम्हारे जब बच्चे वंश में, तुम्हारा बेटा पोता जब तुम्हारे नाम से कोई भी पुण्य करेगा तो उस पुण्य को तुम्हारे इस पुण्य के साथ प्लस कर दिया जाएगा। माना कि किसी को पास होने में 2 नंबर कम रहे हैं, तो यहां मास्टर जी ग्रेस लगा देते हैं अपनी तरफ से, कृपांक जिसे कहते हैं, पर वहां ग्रेस लगता नहीं है, वहां नंबर कम है आपके तो वेटिंग, आप पितृलोक में जाइए, वहां सब व्यवस्थाएं। अब आप जब पूर्व आपके बच्चे जब जैसे आप लोग यहां भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं, आप लोग यहां भागवत सुनने आए हैं, आपने उनके नाम से अन्नदान किया, संतों को भोजन बंटवाया, गौ दान किया, गाय की सेवा की, भागवत जी की पोथी पाठ कराई, ये सारा पुण्य उनके आपके पिता हो या आपका बेटा हो या पत्नी हो या पति हो या कोई भी हो, समाज परिवार में जो भी एक्सपायर हो चुका है, आपके द्वारा किया गया पुण्य उसके पुण्य से जुड़कर प्लस होगा, और यदि पुण्य प्लस हो गया तो उसे उस पितृलोक से निकालकर स्वर्ग लोक भेज दिया जाएगा। और ज्यादा पुण्य कर लिया आपने उनके नाम से, कोई बेटा ज्यादा पुण्य कर ले तो स्वर्ग ना जाकर वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, वो भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तो हम जो पुण्य करते हैं तो पितृलोक कहते हैं कि जो ये 15 दिन है पितृपक्ष, इन 15 दिनों में जो पितृलोक हैं, पितर हैं हम सबके, वो पृथ्वी के पास होते हैं, मतलब पृथ्वी लोक के पास होते हैं, इसलिए कि आप हमारे लिए कुछ करें, हम उसे ग्रहण करें और हम इस पितृलोक से मुक्त होकर भगवत धाम या मोक्ष के अधिकारी बन जाएं। अच्छा, ये तो हुआ वो लोग जो अपने परिवार में पूर्वजों के लिए कुछ कुछ करते हैं।
कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने बाप के लिए, कुछ लोग तो आज इतने इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं कि वो मरे हुए बाप की तेरही भी नहीं करते। बड़े बड़े शहरों में तेरही भी नहीं होती, पता है आप लोगों को? बड़े बड़े लोगों के यहाँ तेरवी भी नहीं होती, मतलब तेरा ब्राह्मण भी मरे आदमी के नाम से नहीं खाता। जबकि गांव में आज भी ये परंपराएं हैं कि कोई मर जाए तो उनके नाम से 13 दिन बाद तेरही होती है, और तेरही के दिन सिर्फ 13 ब्राह्मण नहीं, उनकी जो सामर्थ्य होती है उसके अनुसार पूरा गांव, पूरा समाज, और केवल गांव समाज नहीं, कितनी बढ़िया साइंटिफिक व्यवस्था रही हमारी। देखिए पहले के जमाने में ना, गांव में आज भी ये परंपरा है कि सबको जमीन पर बिठाकर पत्तल परोस करके, और पत्तल दौना में पूड़ी सब्जी खीर जो इमरती जो भी आपकी श्रद्धा बनाकर देते हैं, फिर ब्राह्मण खाते हैं, समाज की स्त्रियां खाती हैं, पुरुष खाते हैं, सब खाते हैं। गांव का जो बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी है और अमीर से, प्रत्येक आदमी उस आदमी के नाम से खाता है। हमारे गांव में ऐसी परंपरा हमने बचपन से देखी है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। समाज जिसे कहते हैं झारा निमंत्रण, झारा मतलब पूरा गांव, गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, सब झारा बोलते हैं, समझते हैं? तो सारा खाते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पत्तल होती थी, पत्तल में परोसा जाए, फिर वो पत्तल क्या है, लोग गांव के बाहर फेंकते थे। तो पहले ये नियम था कि जब आदमी तेरही खाता है तो आप भी कभी किसी की तेरही खाने जाओ तो कहते हैं कि थाली में अन्न छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हम सब कहते हैं और सुनते हैं, पर तेरही खाओ किसी की तो थाली में कुछ छोड़ना चाहिए। तेरही खाओ किसी की तो थाली, अब देखो ये बात तब कही जाती थी जब पत्तल का जमाना था। अब पत्तल का जमाना क्या था और उसका साइंटिफिक रीजन क्या था वो मैं समझाता हूँ। अब थाली के जमाने पर आप मत छोड़िएगा, क्यों? क्योंकि पत्तल के जमाने में कहा जाता था कि जिस आदमी के नाम से आप खा रहे हैं उसके नाम से आधी पूड़ी या एक पूड़ी, थोड़ा सा मिठाई जो भी था वो सब छोड़ते थे जरा सा। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों छोड़ते थे, क्योंकि पत्तल सारी उठाकर पहले किनारे फेंकी जाती थी गांव के बाहर, तो उस पत्तल पर जो भी रहता था उस गांव के सारे कुत्ते, उस गांव की जो भटकती रहती गाय, वो गाय कुत्ता कौआ जीव जंतु, मतलब उस गांव के प्रत्येक जीव, गांव के प्रत्येक आदमी को नहीं मिलता खाना उस आदमी के नाम से, गांव के प्रत्येक जीव जंतुओं को मिलता है उस आदमी के नाम से खाना, तब उसे कहते हैं तेरही, उसे बोलते हैं तेरवी, जो मृत्यु के अग्नि संस्कार के 13 दिन बाद होती है। तो जब आपके नाम से चिड़िया खाए, कौआ खाए और गाय खाए, कुत्ता खाए, आदमी खाए, भूखा खाए, संत खाए, ब्राह्मण खाए, जब सब खाएगा तो सबकी दुआएं आशीर्वाद मिलेंगी, और उस दुआ को, उस आशीर्वाद को, उस पुण्य को भी प्लस किया जाता है। यदि उस पुण्य से आप मोक्ष के अधिकारी हो पाए, मुक्ति के अधिकारी हो पाए, तो उतने से मुक्ति हो जाती, पर उतना करने के बाद भी किसी की मुक्ति ना हो तब फिर श्रीमद् भागवत की कथा, उस जीव के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ कराना चाहिए। ये 15 दिन जो हैं, आप तो साल भर में कभी भी करो कुछ भी पुण्य, सब कुछ प्राप्त होगा, पर इन 15 दिनों में लोग गया जी जाते हैं पिंडदान। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ कराने योग्य हैं, तो अभी 12 तारीख से फिर बैठेगी अभी यहाँ, जितने परिवारों ने कराया आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और बहुत सुयोग्य हैं आप लोग, कि कम से कम आप लोगों ने अपने पितरों के, पूर्वजों के बारे में कम से कम कुछ सोचा कि उनकी सदगति के बारे में कुछ करें। आज की कुछ पीढ़ी तो ऐसी है जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानती है और वो कहते हैं हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे बाप दादे ये परंपराएं आज की नहीं है, आपने सुना होगा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भी गया जी जाकर पिंडिक दान किया था, और उन्हीं परिवार के, धर्मराज युधिष्ठिर के परिवार में परीक्षित हुए,
अब अर्जुन के पुत्र हुए प्रद्युम्न, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु पुत्र हुए परीक्षित। परीक्षित जी भी पांडवों के वंश से हैं और परीक्षित जी की घटना ये भी उसी जमाने की है। परीक्षित जी ने भी भागवत सुनी, हाँ या ना, परीक्षित जी ने भागवत सुनी, आप सब जानते हैं। तो भागवत जी की परंपरा और गया जी श्राद्ध की पर, आपने एक बात तो सुनी होगी कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर गया जी गए और जब उन्होंने पिंडदान करना स्टार्ट किया तो माता कुंती ने कह दिया कि मेरे कर्ण के नाम से भी एक पिंड दान कर देना। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, माँ कर्ण तो हमारी परिवार से नहीं है, वो हमारी समाज से नहीं है, हमारे परिवार से नहीं है, तो पिंडदान तो परिवार का होता है। माँ ने तब बताया था गया जी में कि बेटा कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। धर्मराज युधिष्ठिर के तो मानो पांव से जमीन खिसक गई, मेरा बड़ा भाई। पूरी घटना सुनाई माँ कुंती ने, चूंकि वो कुंवारे में हो गया पुत्र, उसे पानी में बहाना पड़ा, मैं जानती थी पर समाज के अपयश के कारण मैंने बताया नहीं, पर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम छह भाई हो। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे कि हमसे बड़ा पाप हो गया, हम लोगों ने अपने भाई की हत्या कर दी, अपने भाई को मार डाला, कर्ण को मार डाला अर्जुन ने, पर अर्जुन को उस समय पता नहीं था। अब तो माता कुंती पर गुस्सा हो गए धर्मराज युधिष्ठिर, माँ आप मेरी माँ हो पर आपने गलत किया, पता था तो पहले क्यों नहीं बताया, तो फिर अभी भी बताने की क्या जरूरत थी, हम अज्ञान में जीते रहते, बताया है तो जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आज के बाद आप स्त्रियों के मन में अंदर कोई भी बात टिकेगी नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दे दिया कि कोई भी भेद की बात, मर्म की बात आप पचा ना पाओगी आज के बाद, तब से ये श्राप है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण के नाम से पिंडदान दिया, पिंडदान किया। तो गया जी का जो गया जी की जो महिमा है वो उस जमाने से है, द्वापर से, भगवान श्री कृष्ण के जमाने से है। और तो सब ठीक है, एक घटना और सुनी होगी आपने, जब जटायु के भाई, ये त्रेता की घटना है, जब जटायु के भाई को ये संपाति, जटायु के भाई का नाम क्या था, संपाति, संपाति जब लंका जाने लगे पूरे बंदर भालू, तो वहां पर समुद्र आया, अब कैसे पार जाएं, तो संपाति ने देखा कि वाह आज तो मुझे एक साथ भोजन मिल गया, तो संपाति उन बंदरों को खाने के लिए आया, तो इन बंदरों ने कहा कि इससे अच्छा तो जटायु था, कम से कम सीता माँ की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और हम सीता माँ की खोज करने गए तो ये हमें खा रहा, ये दोनों एक ही जाति के हैं और वो दोनों सगे भाई थे। तो वहां संपाति ने कहा कि तुम जटायु को कैसे जानते हो, बोले जटायु ने माता सीता की रक्षा की जिनकी खोज करने जा रहे हैं। संपाति ने कहा वो तो मेरा भाई था, हम दोनों सूर्य की परिक्रमा करने गए थे, सूर्य के पास जा रहे थे, पंख जल गए, हम दोनों बिछड़ गए, हम यहाँ आ गए, वो पता नहीं कहाँ, हमें तो लगा कहाँ चला गया, पर रावण ने उसको मारा है। एक काम करो, मैं स्वयं सीता का पता बताऊंगा, पर पहले मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई का पिंडदान कर दूं। ये उन्होंने कहा, संपाति ने, कि पहले मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं बूढ़ा हूं, मैं अपने भाई जटायु, देखिए पक्षी हैं ये, कौन है ये, जटायु पक्षी हैं, पक्षी हैं पर सीता को अपनी बेटी मानते हैं, राम को अपना बेटा मानते हैं जटायु जी, और उनके भाई संपाति अपने भाई का पिंडदान कर रहे हैं बालू के पे। अब जो
पिंडदान किसका किया जाता? कोई बादाम काजू के पिंड बनाए, कोई चावल खीर के पिंड बनाए, किसी के पास कुछ ना हो तो आप बालू के पिंड बनाकर भी दे सकते हैं। कुछ ना हो तो चारा तोड़ लीजिए, चारा 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 तोड़ करके चारे का गोला बनाइए और पितरों से कहिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, हे पितर देवता, हम बड़े यदि आप इस लायक हैं, गरीब हैं, बिल्कुल गरीब हैं, तो हे पितर देवता, हम आपको पिंड दान करने के योग्य नहीं, हम गया जी नहीं जा सकते, हम भागवत जी की पोथी नहीं करा सकते, हम गरीब हैं, हमसे ये खर्चा नहीं होगा, हमारे तो खाने को भी रोटी नहीं है। ये चारे का पिंड बना करके अपने पितरों की तरफ निवेदन करके प्रेम के अश्रु पितरों के नाम से बहाकर वो चारा अपने गाय को खिला दिया तो आपके उस पिंड दान को पितर स्वीकार कर लेते हैं। गाय को चारा भी खिला दिया आपने एक पिंड के बराबर, मतलब चारे का गोला बना लो और पिंड के आकार का लो, मतलब ये समझो चार मुट्ठी चारा भी आपने गाय को खिला दिया और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करे, क्योंकि पितर लोग दक्षिण दिशा में होते हैं, पितरों का निवास कहाँ होता है, इसलिए घर में पितरों की फोटो भी दक्षिण की ओर ही लगाना चाहिए। जो घर में दक्षिण की तरफ दीवार होती है, दक्षिण की तरफ, उस तरफ ही पितरों की फोटो, जो धरती पर नहीं है उनकी तस्वीर लगाना है तो दक्षिण की तरफ ही लगाई जाती, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण, इसलिए दक्षिण की तरफ पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए, इसलिए उत्तर की तरफ सिर करके सोने का मना होता है, क्योंकि उत्तर की तरफ सिर करोगे तो अपने आप पांव दक्षिण की तरफ होंगे, इसलिए केवल मुर्दे को उत्तर की तरफ सिर करके जलाया जाता है, सिर्फ मुर्दे को किया जाए, जब तक प्राण है तब तक उत्तर दिशा की तरफ सिर नहीं होता, दक्षिण की तरफ पांव नहीं होने चाहिए आपके सोने में। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि दक्षिण की तरफ आपके पितर लोक हैं, आपके पूर्वज हैं, अपने बाप दादों की तरफ पांव करके नहीं, उनकी तरफ सिर रख के प्रणाम करना चाहिए। हे पितर, हे पूर्वज, हमारी सदगति हो, हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा हो,